अम्बाला कैंट के विधायक गृह मंत्री अनिल विज की चौकसी और प्रशासनिक अमले की तत्परता के चलते अम्बाला में बड़ी जनहानि चली। समय रहते लोगों को रेस्क्यू किया गया, लेकिन अंधेरा और बारिश के कारण रेस्क्यू ऑपरेशन बंद हुआ। और चिंता की बात यह है कि अभी भी अम्बाला में तेज बारिश चल रही है, ऐसे में रेस्क्यू ऑपरेशन फिलहाल बंद है। जैसे ही बारिश रुकेगी तुरंत बचाव कार्य शुरू कर दिए जाएंगे। टांगरी नदी का कहर अम्बाला कैंट वासियों पर सर चढ़कर बोल रहा है, जनता परेशान है। प्रशासनिक अमला आज सुबह 3 बजे तक पानी में फंसे लोगों का रेस्क्यू कराता रहा, लेकिन बाद में तेज बारिश के चलते रेस्क्यू ऑपरेशन को रोकना पड़ा। परेशानी बहुत ज़्यादा है क्योंकि बाढ़ के कारण कई इलाकों में बिजली और पानी की सप्लाई बंद हो गई है। ऐसे में छतों पर खड़े लोगों को निकालने के लिए बकायदा जिला प्रशासन ने इमरजेंसी लाइट्स का प्रयोग किया। इसके अलावा लोगों को निकालकर तुरंत सुरक्षित जगह पर पहुंचाने के भी पुख्ता इंतजाम जिला प्रशासन अम्बाला द्वारा कैंट में किए गए हैं। पुलिस प्रशासन के कर्मचारी अंधेरे में कीड़े मकोड़ों की परवाह ना करते हुए जनता की जान बचाने में जुटे हैं। इस काम में अहम योगदान किश्तियों का भी रहा, क्योंकि जिन इलाकों में टांगरी का पानी ज़्यादा था वहाँ से लोगों को पैदल निकालना संभव नहीं था। ऐसे में लोगों को छत से उतारकर किश्तियों में जिला प्रशासन ने सबसे पहले सुरक्षित स्थान पर पहुँचाया। फिलहाल स्थानीय विधायक और गृह मंत्री अनिल विज द्वारा समय पर चौकन्ना करने के बाद प्रशासन भी तैनात रहा और कोई बड़ी जनहानि नहीं हुई। स्थानीय लोग अभी मीडिया के सामने बात नहीं कर रहे हैं, लेकिन लोगों का साफ कहना है कि अनिल विज की चौकसी के चलते वह अपनी जान और घर का कीमती सामान बचा पाए, क्योंकि अनिल विज ने दोपहर में ही दौरा कर लिया था इस पूरे इलाके का और प्रशासनिक अधिकारियों को तुरंत बचाव कार्य शुरू करने के आदेश भी दिए थे, जिसका असर दिखाई दे रहा है। हालांकि अभी भी अम्बाला कैंट की टांगरी के साथ लगती कई कॉलोनियों में पानी भर गया है, जैसे न्यू कॉलोनी, पूजा विहार, प्रभु प्रेम आश्रम, करधान, और लोग फंसे हुए हैं। देर रात बारिश होने के कारण रेस्क्यू ऑपरेशन बंद कर दिया गया था और अब इसे दोबारा शुरू